गाथा नंबर एक सौ सरसठ वन सिक्सटी सेवेन अप्पाओबो गप्पा उबो गोणाण दंसण भणिदो सोही सुबो गो

वह उपयोग आत्मक है एक अप्पा माने आत्मा होता है और एक अप्पा का अर्थ बताया था पहले भी जो उस स्वरूप वाला होता है उसको भी तदात्मक तदात्मा रूप वाला होता है तो रूप आत्मा रूपवान तो उस अर्थ में भी अप्पा शब्द का प्रयोग किया जाता है हुँ? इसलिए यहाँ पर आत्मा कैसा है तो उपयोगवान है उपयोग वाला है उपयोगमय है उपयोग स्वरूप है वही उसका स्वरूप है तो अप्पा अप्पा। आत्मा कैसा है उपयोग वाला है उपोगो नाण दंशणों भण दो जो उपयोग है वह ज्ञान और दर्शन इन दो रूपों में भण दो यानी कहा गया है सो ही सुहो अशुह वही उपयोग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है उपभोगो अपणो हवदी और वह उपयोग अपना आत्मा का ही होता है अपना स्वयं का ही होता है यह इसका गाथा का एक छोटा सा अन्वार्थ है इसी को भावार्थ के रूप में पद्यानुवाद में आचार्य महाराज ने लिखा है आत्मा सदैव उपयोगमयी सुहाता अ ज्ञान दर्शन मई उपयोग सोही शोभा शुभ कभी उपयोग होता मोहादिका जब योग होता आत्मा सदैव उपयोगमयी सुहाता हमेशा आत्मा उपयोगमय ही रहता है आप चाहें आत्मा की क्वालिटी को समझें या न समझें लेकिन आत्मा की जो क्वालिटी है वो हमेशा जैसी है वैसी बनी रहती है हर पर्याय में आत्मा का यह उपयोग स्वभाव बना रहता है इसीलिए उपयोग को आत्मा का एक लक्षण कहा जाता है जिसके माध्यम से हम आत्मा की पहचान कर पाते हैं इसलिए यह भी अपने को ध्यान में रखने योग्य वाक्य है अप्पा अप्पा जैसे तत्वार सूत्र में हम याद रखते हैं उपयोगो लक्षणम आत्मा का लक्षण क्या है जीव की पहचान करने के लिए उसका लक्षण उसका गुण क्या है तो उपयोग उसी तरह से यहां पर कहा गया अपा उबोगप्पा अप्पा।, अप्पा कैसा है हाँ अपा माने आत्मा आप आप जो बोलते हैं वह इस अप्पा से ही निकलता है आप क्योंकि आपका मतलब क्या हो गया आप माने आप लेकिन आप गलत समझ लेते हो कि हम आपको आप बोल रहे हैं नहीं समझ आया जब हम आपसे कहते हैं आप कहां बैठे हो तो आप समझ लेते हो महाराज हमसे कह रहे हैं हम कहा बैठे हैं जबकि हम आपकी आत्मा से कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा कहा हैं मतलब है, आत्मा अप्पा अप्पा का ही आप अप, अप्पा आप बन गया है नहीं? उसी से आप हो जाता है आपका मतलब हो गया हम आपके भीतर जो आत्मा बैठी है उससे पूछ रहे हैं उसको टिंच कर रहे हैं ना इसका मतलब है आप है? आप सरीखा आप समझ आ रहा है ना क्या मतलब है इसका हाँ आप तो आप ही जैसे हो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मैं मेरे जैसा कुछ नहीं है या मैं डॉक्टर हूं तो मेरे जैसा कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है आप सरीखा आप मतलब आत्मा के जैसा ही आपका आत्मा है इसका मतलब ये आप शब्द भी इतना आदरणीय शब्द है कि यह लोग भूल गए कि आपका मतलब आत्मा को इंगित कर रहा है तो जब हम कहते हैं कि आपका व्यवहार आपकी पहचान अपने को पहचानो आप कैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है आपकी आत्मा की पहचान आपकी आत्मा कैसी है यह पूछा जा रहा है लेकिन व्यवहार में हम जैसी धारणा बना लेते हैं उन शब्दों के अर्थ हम व्यवहार में वैसा ही समझने लगते हैं और वही धारणा के कारण से हम ये समझते हैं कि महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे हैं माने हम स्वस्थ हैं कि नहीं हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं तो आप ऐसा समझने लग जाते हो ठीक है ना तो आपका मतलब क्या हो गया आपकी आत्मा तक पहुंचने की बात है और इसी के कारण से ये आप शब्द आदरणीय शब्द बन जाता है प्राकृत में आपके लिए अलग से कोई शब्द नहीं है अप्पा सब्द ही प्रयोग हो जाता है 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 आत्मा आत्मा जो जिस रूप वाला वाला वह उसी स्वरूप तो आचार्यों की इस वाणी को याद में रखते हुए हम इन सूत्रों को अपने मन में रखें और कुछ नहीं है तो कम से कम इतनी ही बात को अपने मन में निरंतर चिंतन में लाएं दोहराएं अपा उपा आत्मा तो सब जानते हैं लेकिन आत्मा उपयोग स्वरूप है यह केवल वही जानेगा जो जैन वाणी जिनवाणी पड़ेगा समझ आ रहा है? आत्मा को सब मानते हैं अन्य भी दर्शनकार हैं आत्मा को उन्होंने भी स्वीकार किया है चाहे वो वेदांत दर्शन हो चाहे सांख्य दर्शन हो चाहे वैशेषिक हो चाहे बौद्ध दर्शन हो आत्मा को सबने माना है बौद्धों में भी कहा जाता भव आ? अपना दीप खुद बनो अपना दीप जलाओ आत्मा को आ, अप्पा माना आत्मा को भाषा के रूप में माना लेकिन आत्मा कैसा है ये किसी ने नहीं जाना समझ आ रहा है गीता में भी वेदांतों में भी आत्मा की चर्चा है अपनी आत्मा की प्राप्ति की चर्चा है इंद्री और मन को रोक करके अपने मन को आत्मा में लगा करके आत्मस्थ हो जाओ अर्जुन ऐसा उपदेश दिया गया है आत्मस्थ हो जाओ है ना लेकिन वो आत्मा कैसा है ये नहीं बताया गया आत्मा तो बड़ा व्यापक शब्द है जो सब जगह प्रचलित है लेकिन उस आत्मा की क्वालिटी क्या उसकी क्रिया क्या उसका व्यापार क्या तो आचार्य कहते हैं अप्पा उपभोग अप्पा अब उपयोग स्वरूप है आत्मा तो उपयोग को समझाने के लिए भी आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उपयोग क्या तो फिर आचार्य लिखते हैं उपोगण दंशणो भो उपयोग क्या होता है हमारी तो समझ में ही नहीं आता है तो बस जो आत्मा में ज्ञान दर्शन चल रहा है यही आत्मा का उपयोग है इसी को उपयोग स्वभाव समझो यानी उपयोग दो प्रकार का हो गया एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग ये आत्मा का वह अनन्य परिणाम है जो कभी भी आत्मा से छूटता नहीं है ये आत्मा का अपना स्वाभाविक परिणाम है कोई भी आत्मा किसी भी गति में हो किसी भी पर्याय में हो वह अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को कभी भी छोड़ेगा नहीं और उसके साथ ही उसका व्यापार परिणमन वहां चलता रहेगा तो ज्ञान और दर्शन रूप जो उपयोग है यह आत्मा की त्रैकालिक परिणति है तीन काल में कभी इस परिणति में कोई अंतर आने वाला नहीं है यह आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है त्रैकालिक का मतलब जो तीनों कालों में बना रहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों में ये आत्मा का स्वभाव कभी भी छूटेगा नहीं हम सिद्ध भी बनेंगे शुद्ध भी बन जाएंगे तो भी क्या होगा ज्ञान और दर्शन ही रूप ही रहेगा हमारा स्वभाव फिर हमें क्या करना अभी भी हम ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हैं आगे भी हम ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले ही रहेंगे और पहले भी निगोद आदि पर्याय में भी हम ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले ही थे तो मिलेगा क्या हमें ए? किस लिए तप करना किस लिए व्रत लेना किस लिए चारित्र अंगीकार करना और किस लिए स्वाध्याय इत्यादि करना जब ज्ञान दर्शन स्वभाव हमारा है ही है और कभी छूटेगा ही नहीं और बाद में भी यही बना रहेगा तो हमें किसके लिए आप पढ़ा रहे हो इतना ही पढ़ाना हो तो बस पढ़ लिया हमने कि आत्मा कैसा है उपयोग स्वरूप है और उपयोग का मतलब ज्ञान उपयोग रूप है तो ये ज्ञान दर्शन उपयोग हर आत्मा के लिए एक सामान्य स्वभाव बताया गया है जो स्वभाव उसका त्रैकालिक शाश्वत कहलाता है और जो कभी भी उससे नहीं छूटता ऐसा नहीं कि ये केवल आपकी आत्मा का स्वभाव है दुनिया में जितनी आत्माएं सबका यही स्वभाव है भले ही वो जाने या ना जाने माने या ना माने लेकिन सब कोई अपने उस ज्ञान दर्शन स्वभाव से ही अपनी प्रवृत्ति कर रहा है जिसमें ये ज्ञान दर्शन उपयोग है वही जीव है वही आत्मा है और जिसमें यह ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं है वह रोबोट तो हो सकता है लेकिन आत्मा हो सकता है समझ आ रहा है इंटरनेट तो हो सकता है लेकिन वह आत्मा नहीं हो सकता है तो ये जो आत्मा का स्वरूप है वह स्वरूप सभी जीव के अंदर है विद्यमान है और ये किसी ने रखा नहीं शाश्वत है हर जीव आत्मा के साथ में यह स्वरूप हमेशा बना रहता है लेकिन इसी जीवात्मा के साथ में कुछ दूसरी चीजें और भी जुड़ी रहती हैं जिसके कारण से इसका ये ज्ञान दर्शन स्वभाव भी बिगड़ जाता है और एक जैसा सबका नहीं रह पाता है ज्ञान दर्शन स्वभाव होते हुए भी सबका एक जैसा किसी का नहीं अब ये डिफरेंस क्यों आ गया ये अंतर क्यों आ गया तो आचार्य कहते हैं ये अंतर हमारे उसी ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप आत्मा के ऊपर जो कर्मों का प्रभाव है उस कर्मों के प्रभाव के कारण से सबके ज्ञान दर्शन में अंतर आ जाता है, है वह ज्ञान अनेक प्रकार का भी हो जाता है और वह ज्ञान अशुभ भी हो जाता है शुभ भी हो जाता है कलुषित भी हो जाता है शुद्ध भी हो जाता है इसलिए आगे आचार्य कहते हैं सो भी सुहो असुहो वा सो भी सो माने वह उपयोग सो ओव वह उपयोग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है अब देखो ज्ञान और दर्शन तो एक सामान्य चीज हो गई और शुभ और अशुभ ये इसकी एक विशेष चीज हो गई सामान्य रूप से ज्ञान दर्शन स्वभाव हर आत्मा का बना हुआ है बना रहेगा लेकिन परिवर्तन किसमें होगा तो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में परिवर्तन हो सकता है जब उपयोग ज्ञान दर्शन रूप था तो फिर शुभ और अशुभ कैसे हो गया तो आचार्य कहते हैं शुभ भावों से शुभ हो गया और अशुभ भावों से अशुभ हो गया वही जो ज्ञान दर्शन है माने जानना देखना तो वही रहेगा लेकिन अगर वह कर्म के प्रभाव से मिथ्यात्व के प्रभाव से कसाए के प्रभाव से जान रहा है तो वही अशुभ जान रहा है अशुभ देख रहा है अशुभ व्यापार अशुभ रूप उपयोग कर रहा है और वही जब इन कसाइयों की कमी के कारण से वही जानना वही देखना होगा तो वही उसके लिए शुभ हो जाएगा क्या समझ आया जानना देखना तो छूटेगा नहीं लेकिन अशुभ और शुभ में परिवर्तन हो जाता है आप देखो कितनी बड़ी चीज कही गई एक जो स्वभाव हमारा जिसे बोलते हैं इंट्रेंसिक नेचर ऑफ अवर सोल जो हमारी आत्मा का अपना वास्तविक स्वभाव है वो तो ज्ञान दर्शन है और जिसमें वेरिएशन हो रहा है वो वेरिएशन ड्यू टू कर्मा वो कर्म के कारण से हो रहा है जिसके कारण से कभी हमारे भावों में शुभ और कभी हमारे भावों में अशुभता आ जाती है तो शुभ के साथ में उपयोग भी शुभ और अशुभ के साथ में उपयोग भी अशुभ मतलब शुभ के साथ में ज्ञान दर्शन शुभ और अशुभ के साथ में ज्ञान दर्शन भी अशुभ ज्ञान दर्शन को भी अशुभ क्यों कहा गया क्योंकि कर्म के कारण से कसाय के कारण से वह ज्ञान जब लिप्त हो गया तो वह भी अशुभ हो गया ठीक बात है अब देखो इसको अशुभ और शुभ में यह समझाने की अब जरूरत तो नहीं है कि अशुभ अच्छा है कि शुभ अच्छा है अब जब दो प्रकार का है तो उसमें कौन सा अच्छा यह तो अपने आप समझ में आ रहा है अशुभ और शुभ में कौन सा अच्छा होगा शुभ अच्छा होगा शुभ अच्छा है तो इसका मतलब है शुभ ही हमारे लिए मंगल है शुभ ही हमारे लिए पुण्य है हा? और शुभ ही हमारे लिए पवित्र है जिसको हम बोलते हैं कि शुभ के कारण से ही हमारे लिए मंगलता आ जाती है और अशुभ से हम बचना चाहते हैं अशुभ को हम छोड़ना चाहते हैं शुभ को ग्रहण करना और अशुभ को छोड़ना अशुभ तो छोड़ने योग्य ही है किसी भी काल में त्रैकालिक अशुभ जो है उपयोग हमेशा छोड़ने योग्य है हे है हे का मतलब छोड़ने योग्य है अशुभ हमेशा हे है और शुभ उपादेय है क्या कहा शुभ उपादेय है लेकिन वह कैसा उपादेय है तो आचार्य कहते हैं वो त्रैकालिक उपादेय नहीं है वो तात्कालिक उपादेय है कैसा उपादेय है तात्कालिक उपादेय है तात्कालिक माने जिस समय आपके लिए वो उपयोगी लगे आप उसको ग्रहण कर लो बस क्यों ग्रहण कर लो क्योंकि आपका उपयोग अशुभ ना हो जाए इसलिए शुभ को पकड़ लो अशुभ की संभावना हो तो शुभ को पकड़ लेना और अगर शुभ से भी ऊपर उठना हो तो फिर शुभ को भी छोड़ देना कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन अगर यह लगे कि अशुभ हो रहा है तो शुभ को पकड़ लेना अशुभ से बचने का कोई उपाय है तो वो क्या है शुभ है शुद्ध बाद में आएगा समझ आ रहा है इसलिए शुभ उपयोग को हमें एक उपाय के रूप में ग्रहण करना चाहिए एक हे होता है एक उपादेय होता है और उन दोनों के बीच में उपाय और होता है एक उपेय होता है उपेय एक हे एक उपादेय और एक उपेय उपेय माने जो उपाय के साथ में ग्रहण किया जाए वो उपेय है तो हे हो गया हमारा अशुभ उपयोग जिसे हमें छोड़ना है और उपादेय हो जाता है हमारी आत्मा का वह शुद्ध स्वभाव जिसे हमें ग्रहण करना है और जब तक वह नहीं होता तब तक बीच के लिए चलता है यह उपाय भूत शुभ उपयोग है जो इस उपाय के माध्यम से हमें उस उपादेय तक पहुंचा देता है तो शुभ क्या हो गया उपाय हो गया उपेय हो गया अब ज्ञान और दर्शन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते आप किसको परिवर्तित कर सकते हैं अपने अशुभ भाव को अशुभ उपयोग को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं और अशुभ से शुभ में परिवर्तित आते ही ज्ञान और दर्शन सब परिवर्तित हो जाएंगे करने वाला भी ज्ञान और ही है और उसका फल भोगने वाला भी ज्ञान और दर्शनी है करेगा भी वही और फल भी वही भोगेगा अशुभ से शुभ में परिवर्तित ज्ञान ही होगा ज्ञान ही करेगा और खुद करके खुद उसका फल भोगेगा समझ आ रहा है देखो कैसे हो जाता है कहा जाता है अशुभ से बचो अशुभ भावों से बचो अशुभ क्रियाओं से बचो अशुभ विचारों से बचो अशुभ विचारों से बचोगे तो शुभ विचार आएगा हा? और वह अशुभ से शुभ में जब परिवर्तित होगा तो पहले आपका विचार परिवर्तित होगा और विचार कैसे परिवर्तित होगा तो आपके मन में पहले वह ज्ञान के रूप में परिणति आएगी तभी वह विचार के रूप में परिवर्तित मन के अंदर बनेगी और तभी जो है वह आपकी सभी एक्टिविटी को चेंज करेगी तो क्या कुल मिलाकर के परिवर्तन हो रहा है ज्ञान का ज्ञान में ही लेकिन कहने में आ रहा है कि यह अशुभोपयोग से शुभोपयोग हो रहा है लेकिन वो हो कौन रहा है ज्ञान ही हो रहा है आत्मा ही हो रहा है वह आत्मा अपने ही ज्ञान स्वभाव को अशुभ से शुभ कर रहा है माने कसायों की अधिकता से कसायों की मंदता की ओर ले जा रहा है हुँ? एक विचार सब जीवों को समभाव से जानो क्या कहा सब जीवों को समभाव से जानो समभाव से देखो समभाव का मतलब सब जीवों को एक समान भाव से जानो एक समान भाव से देखो विचार लाओ जानना देखना तो बाद में आएगा पहले वह विचार के रूप में हमारे ज्ञान में आएगा तो ज्ञान फिर उसी रूप में जानेगा तो कैसे जानना कोई भी जीव हो सबको अपने जैसा जानो समान कब जानोगे जब अपने जैसा जानोगे तभी तो समान जानोगे इसी को कहा जाता है आत्मवत सर्वभूतेशु सभी जीवों में अपनी आत्मा की तरह अपनी आत्मा के समान सबको मानो सबको जानो यहां से ही शुभ की शुरुआत होती है और जहां से शुभ शुरू होता है वहीं से धर्म शुरू होता है धर्म की शुरुआत कहां से होगी शुभ से शुद्ध से नहीं होती है धर्म की शुरुआत कहां से होगी शुभ से अशुभ से छूट करके शुभ में आना अशुभ अधर्म है और शुभ धर्म है आपने जब अपने सामने अनेक जीवों को देखा और अनेक जीवों को देख करके आपने उनके प्रति या तो आपने मोह किया या घृणा भाव किया या राग भाव किया किसी को आपने अपने से ऊंचा जाना किसी को आपने अपने से नीचा जाना किसी को हीन दृष्टि से देखा किसी को उच्च दृष्टि से देखा इन सब में भी आपका वह मनोभाव सही नहीं है क्या समझ आ रहा है पहले कौन सी दृष्टि लाना सम दृष्टि लाना और सम दृष्टि लाने के लिए पहले यह विचार लाना कि आत्मवत् सर्वभूतेशु सभी द्रव्य भूत माने सभी जीवों में जो पंच भूतों से बने हुए ये सबके शरीर दिखाई दे रहे हैं इन्हीं भूतों में ये सब भूत हैं समझ आ रहा है ना हाँ इनको भूत भी है तो ये सब भूत हैं और भूत का मतलब क्या होता है देखो भूत का मतलब होता है प्राणी तो होता है लेकिन आपको भूत क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो भूत का मतलब होता है जिसके ऊपर बहुत कुछ लेप दिया हो बहुत लेप दी जाती है तो भूत बन जाता है आ? जब घर में कोई लड़का मुंह पे कुछ भी खाने पीने की चीजें लगा लेता है कि स्याही जो लिख रहा होता है वही लगा लेता है कि अपनी मिट्टी के हाथ लगा लेता है कैसा भूत बना घूम रहा है, है? कहां से भूत आ गया ये भूत का मतलब जो आपने एक्स्ट्रा चीजें लेप ली हैं अपने ऊपर उसका नाम हो गया भूत तो आप दूसरों से कहते हो जब आप दूसरों के मुंह पर कुछ देख लेते हो तो कहते हो कैसा भूत बना घूम रहा है, है? थोड़ा मुंह साफ कर ले और जो ज्ञानी होते हैं वो सब जीवों को क्या देख रहे हैं ये सब भूत हैं जो आत्मा को जानने वाले हैं आत्मवित हैं वो सब क्या देख रहे हैं ये सब भूत हैं क्यों भूत हैं क्योंकि ये अपनी आत्मा के ऊपर कर्म का लेप कर रहे हैं शरीर को अपनी आत्मा के ऊपर ओढ़े हुए हैं लेपे हुए हैं और फिर भी अपने आप को बिल्कुल शुद्ध समझ रहे हैं। साफ समझ रहे स्वच्छ समझ रहे हैं समझ आ रहा है इसलिए क्या हो गए भूत हो गए हमारी आत्मा पर कार्मण शरीर का लेप है तेजस शरीर का लेप है औदारिक शरीर हमने ओढ़ रखा है और इतने लेप करने के बाद भी हम अपने आप को बिल्कुल शुद्ध समझ रहे हैं है? इसलिए कहा जा रहा है जितने भी संसार में प्राणी हैं, सब कैसे हैं भूत हैं, सिद्ध भगवान को छोड़ के समझ आ रहा है उनको छोड़ के सब संसारी प्राणी भूत हैं और इन सब भूतों को अब कैसे जानो तो कैसे जानो तो आचार्य कहते हैं अगर तुम ज्ञानी हो गए हो तुम अपने आप को ज्ञान स्वभाव वाला महसूस कर रहे हो तो इनको भी हीन दृष्टि से मत देखो ऐसा मत देखो कि भूत हैं तो भूत ही बने रहेंगे जैसे मां घर में कहती है बेटा मुंह साफ कर ले क्यों भूत बना घूम रहा है, है? तो ऐसे ही ज्ञानी जीव जब देख लेता है कि ये सब भूत हैं तो ऐसा नहीं कि इनको दुत्कार देता हो कि इनको अपमानित कर देता हो वो भी यही देखता है कि इनका स्वभाव तो शुद्ध है लेकिन इन्हें पता नहीं है इसलिए वह अपने जैसा ही सबको देखता है समझ आ रहा है करुणा विनय इत्यादि जो चीजें आएंगी ये बाद में आएंगी पहले क्या आएगा आत्मवत सर्वभूतेश प्रथम दृष्टि में यही चीज आनी चाहिए आत्मवत सभी जीवों को सभी जीवों में अपनी आत्मा के समान आत्मा पहले जानो सभी जीवों को अपनी आत्मा की तरह ही सबको आत्मवान मानो पहली दृष्टि ये लाओ आगे की चीजें बात की किसकी हमें विनय करना किसके प्रति करुणा रखना किसके प्रति हमें कौन सा व्यवहार करना ये सब चीजें बात की समझ आ रहा कोई भी स्त्री है पुरुष है मां है बहन है पत्नी है ये सब दृष्टियां बाद में पहले कौन सी एक व्यापक दृष्टि आत्मवत सर्वभूतेशु स्त्री हो पुरुष हो बेटी हो बड़ी हो कुछ भी हो सबसे पहले उसको किस दृष्टि से देखो इसकी आत्मा मेरी आत्मा के ही समान है और मेरी आत्मा भी इसकी आत्मा के समान है सभी जीवों में जो आत्म तत्व विद्यमान है वह सब एक जैसा है आत्म तत्व में कहीं कोई कमी नहीं है सब उपयोग स्वरूप है और सबका ज्ञान दर्शन उपयोग निरंतर चल रहा है इस दृष्टि में कहीं कोई मात्र भी भेदभाव नहीं है अप्पा, उवोग अप्पा, दंसनो, ये ऊपर वाली लाइन पूरे जगत के लिए है आत्मवत सर्वभूत सभी जीवों में विचार तो करो सभी जीव चाहे वो नाली में भी पड़ा हुआ क्यों ना हो कीड़ा ही क्यों ना हो छोटा सा तड़पता हुआ कहीं पर कोई कीट पतंगाई क्यों ना हो हर जीव में देखो इसकी आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है तड़पते हुए उस जीव को भी देखो कि इसकी आत्मा तड़फ रही है माने इसके अंदर ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है तभी वह व्यापार चलने के कारण से यह पीड़ित है दुखी है लेकिन ये पहली दृष्टि जब आ जाएगी तो ये आपकी भीतरी दृष्टि कहलाएगी ये व्यापक दृष्टिकोण कहलाएगा फिर उसके बाद में जब हम दूसरी ओर आते हैं तब शुभ और अशुभ की बात आती है कि मैं अपने उपयोग को शुभ बनाए हूं और ये अपने उपयोग को अशुभ बनाए क्यों बनाए है ये कलुषता के साथ में जी रहा है ये कसायों के साथ में जी रहा है ये अनेक तरीके के आग्रहों के साथ में जी रहा है ये अनेक तरीके की मिथ्या बुद्धि बनाए हुए है इसलिए इसका उपयोग कैसा है अशुभ है लेकिन फिर भी अशुभ जानते हुए उससे कहना नहीं कि तेरा उपयोग अशुभ है आ? उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए नहीं तो आपके कहने से उसको गुस्सा आ गया तो उसका उपयोग और अशुभ हो गया तो आप उसके उपयोग को अशुभ बनाने में कारण हो गए समझ आ रहा है आपको क्या बनाना है शुभ बनाना है अपना भी बनाए रखना है और उसको भी शुभ बनाना है क्योंकि आपको जानकारी में आ गया कि मैं ज्ञानी हूं तो ज्ञानी का काम क्या है कि वह दूसरों को भी अपनी तरह पहले ज्ञानवान जाने अगर वह अपने उपयोग को शुभ रखेगा तो तभी रख पाएगा जब वह उन पर करुणा करेगा करुणा भाव आएगा तो क्या होगा शुभ भाव बनेगा शुभ भाव, भाव बनेगा तो वह उसके लिए वही कहेगा वही करेगा जिससे कि उसको बुरा भी ना लगे और उसके ज्ञान में आ जाए वो अपनी परिणति को संभाल ले इसलिए सबसे पहले दृष्टि बदलेगी तो कैसे बदलेगी आत्मवत सर्वभूतेशु समझ आ रहा है सबको पहले अपनी आत्मा की तरह जानो अपनी ही आत्मा की तरह मानो जब यह दृष्टि आ जाएगी आपका सबके प्रति दया भाव आएगा सबके प्रति समता का भाव आएगा सब जीवों के प्रति समता भाव सब जीवों के प्रति समान भाव समता का मतलब ही क्या है समान भाव समान का मतलब उसमें हमें कोई राग नहीं रखना किसी से और कोई भी द्वेष भाव नहीं रखना किसी से मोह भाव नहीं रखना सब जीवों के प्रति हमें क्या रखना समभाव रखना सामायिक करने की सबसे पहली शर्त यही है सामायिक करने बैठो तो सबसे पहले भावना क्या करनी पड़ती है समता में सर्वभूतेशु समता सर्वभूतेशु सभी जीवों में मेरा संभाव है समझ आ रहा है संभाव जैसे ही आप लाओगे तो क्या हो गया अभी तो आप अपनी पत्नी के साथ में राग भाव कर रहे थे अपने बच्चों के साथ राग भाव कर रहे थे पड़ोसी बच्चे के साथ द्वेष भाव कर रहे थे आ? कर रहे थे कब तक जब तक हम सामायिक करने नहीं बैठे तब तक और जैसे ही सामायिक करने बैठे तो सबसे पहली भावना क्या करना हर सामायिक करने वाले को मेरा किसी से राग नहीं किसी से द्वेष नहीं किसी से मोह नहीं मेरा सबके प्रति समभाव है समता सर्वभूतेशु मैं सभी जीवों में समभाव धारण करता हूं यहां से सामायिक शुरू होती है पहली भावना यही है चाहे आत्मवत सर्वभूतेशु कह लो चाहे समता सर्वभूतेशु कह लो एक ही विचार है एक ही बात है अब जैसे ही आपने कहा समता अब क्या होगा? आपके मन में एकदम से किसी ना किसी के प्रति राग आएगा किसी ना किसी के प्रति द्वेष आएगा समझ आ रहा है एकदम से कैसे छूट जाएगा अभी अभी आप भोजन करके उठे हो बैठे हो आकर के तो भोजन से भी आपको राग हो सकता है भोजन कराने वाले से भी आपको राग हो सकता है आ? और भोजन करते समय भी अगर किसी ने कोई कुछ बुरा कर दिया हो तो उससे द्वेष हो सकता है तो क्या करना जैसे ही आप बैठे आपके मन में किसी के प्रति राग द्वेष आया अपने ज्ञान से ही उस राग द्वेष को समाप्त करना नहीं मेरा सबके प्रति संभाव है क्योंकि मुझे 48 मिनट की सामायिक करना है चौबीस घंटे में राग द्वेष कर लूंगा लेकिन 48 मिनट में राग द्वेष से रहित तो होकर के संभाव करूंगा मन मान जा समझाना मन मान जा कौन के मन को मैं समझाना अपने मन को समझ आ रहा है? मन मान जा तुझे अपने बच्चों से राग है अपने घर से राग है अपने घर की पदार्थों से वस्तुओं से राग है सब बाद में कर लेना अड़तालीस मिनट दो घड़ी शांति से संभाव से बैठ जा कुछ भी मत सोच किसी के बारे में हर घर की रखी हुई वस्तु को बिल्कुल पुदगल में जान चाहे वो कितना ही कीमती टीवी सेट हो चाहे वो वीडियो कौन का हो चाहे वो सैमसंग का हो है? चाहे वो कितना ही अच्छा मोबाइल सेट हो चाहे फ्रिज सेट हो ऑल आर मेटेरियल समझ आ रहा ये सब कैसे है? सब हैं सब पुद्गल हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अवर सोल ये सब हमारी अपनी चेतना से डिफरेंट हैं समझ आ रहा एक 48 मिनट के लिए दो घड़ी के लिए अपने मन को समझाना पड़ेगा आपको तब आपकी सामायिक शुरू होगी नहीं तो सामायिक उसी में लिपट जाएगी समता सर्वभूत सुव्रती के लिए सबसे अच्छा समय होता है सामायिक का और जैसे ही वो सामने बैठे सबसे पहले उसके मन में शुभ भाव यहीं से शुरू होगा मेरा सब जीवों के प्रति संभाव इतनी देर के लिए कोई मेरी पत्नी नहीं है तो उसके प्रति भी मेरा संभाव मेरा भाई भी है तो उसके प्रति मेरा संभाव राग नहीं क्या है संभाव द्वेष नहीं संभाव किसी के प्रति मुझे गुस्सा है या कोई मुझे नहीं मानता है मेरी बात नहीं मानता है उसके लिए भी मेरे लिए कुछ समय के लिए संभाव ये अभ्यास शुरू होना चाहिए यहीं से सामायिक शुरू होती है अगर ये संभाव में हमारा गहरा विचार नहीं होगा करोनी करोनी पहा विचार <laughs> समझ आ रहा है ना तो फिर जो है हमारे लिए सामायिक शुरू नहीं होगी अब जब शुरू नहीं होगी तो अंत में उसका जो हमें आनंद मिलना चाहिए फल मिलना चाहिए वो फल भी हमको नहीं मिल पाता है हा? तो इसलिए सबसे पहली भावना आचार्यों ने तीर्थंकरों ने गढ़धर आदि परमिष्ठियों ने सबने सबके लिए यही बताई साधु के लिए भी श्रावक के लिए भी समता सर्वभूतिसु आत्मवत सर्वभूतिसु सत्वेशु मैत्री सब जीवों में मेरा मित्र भाव प्रेम भाव इस सब एक ही चीजें हैं समता से ही सब कुछ धर्म की शुरुआत होती है आंतरिक धर्म इसी को कहते हैं आत्मिक धर्म इसी को कहेंगे तो जब ये शुरू होगा तब जाकर के आपकी दृष्टि में जो राग द्वेष के उफान के साथ में हर किसी को देखना और जानना हो रहा है वो रुकेगा आप आदमी को आदमी समझेंगे समझ आ रहा स्त्री को स्त्री भी समझेंगे पुत्र को पुत्र भी समझेंगे नौकर को नौकर भी समझेंगे तो तभी समझेंगे जब आप में संभाव होगा नहीं तो आप हर किसी को अपने अधिकार में समझेंगे हर किसी के ऊपर अपनी हुकूमत जमाएंगे हर किसी को अपने क्रोध से द्वेष से ही जानेंगे देखेंगे और हर किसी के लिए आप पीड़ा देने का ही भाव रखेंगे आप में संभाव नहीं आएगा ये संभाव इतनी बड़ी चीज है जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी भी तरह से कोई भी समय पर किसी का टेम्परेचर बढ़ता भी जा रहा है तो कभी नॉर्मल भी होना चाहिए आ? बुखार बढ़ता ही, बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे तो क्या होता है क्रॉनिक हो जाता है अः हड्डियों तक पहुंच जाता है नुकसानदेह हो जाता है नॉर्मल तो कभी होना ही चाहिए कभी तो फील करो कि हम बुखार से रहित हैं उसी तरह से आचार्य कहते हैं राग द्वेष मोह में चौबीसों घंटे पड़े हो कभी तो अपने लिए समय निकालो कि जब हम ये महसूस करें मैं राग द्वेष मोह से रहित हूं समभाव के साथ बैठ रहा हूं जितना अपने लिए बन सकता है उतना तो बनाओ यहां से ही शुभ भाव शुरू होता है यहीं से धर्म की शुरुआत और यही धर्म बढ़ता बढ़ता आपके सामायिक भाव से सामायिक चारित्र में ढल जाएगा यही आपके लिए सामायिक चारित्र को दिलाने वाला जो महाव्रत के साथ में सामायिक चारित्र का भाव आता है उस भाव तक पहुंचाने वाला भाव है समता सर्वभूतेशु आत्मवत सर्वभूतेशु फिर क्या करो जब आपने सामायिक कर ली सुन रहे हो और सामायिक करने के बाद जब आप उठोगे तो अब क्या करोगे अब जैसे ही आप देखोगे आपको दूसरों की बिल्डिंगें दिखाई देंगी दूसरों के गाड़ियां दिखाई देंगी दूसरों के धन वैभव दिखाई देंगे समझ आ रहा है अब उसमें समता कैसे रखोगे फिर शुरू हो गया रागद्वेश तो उसके लिए भी एक विचार है आ? क्या विचार है पर द्रव्येषु लोष्ठवत क्या कहा पर द्रव्येषु लोष्ठवत पर द्रव्यों को देख के पर द्रव्यों में कौन सा विचार लाना कि ये सब जो है लोष्ठ का मतलब होता है मिट्टी का ढेला ये सब क्या है सब मिट्टी के ढेले हैं और कुछ नहीं है क्या समझ आ रहा है अगर आपको किसी भी पर पदार्थ से राग से अपने मन को रोकना है तो आपको मन को ज्ञान के माध्यम से ही रोकना पड़ेगा विचारों के माध्यम से रोकना पड़ेगा पर द्रव्यों में सब मिट्टी माने सब पौधगलिक चीजें हैं सभी चीजें नासवान है ये सब केवल मैटर का परिणमन है अलग अलग फॉर्म में बन बन करके वही चीज आ जाती है आखिर गाड़ी तो वही रहती है मॉडल बदल जाते हैं तो मॉडल में क्या बदल जाता है? है थोड़ी शेप बदल जाती है थोड़ी साइनिंग बदल जाती है थोड़ा कलर बदल जाता है चीज तो है? चार पहिए तो चार ही रहेंगे इंजन भी कहो वही रहे बस मॉडल बदल जाता है कंपनी भी वही है लेकिन कंपनी का मॉडल बदल गया और जहां मॉडल बदला वहां आपका मूड बदल गया समझ आ रहा है तो इतना ज्यादा हमें मॉडलों में अपना मूड डिस्टर्ब नहीं करना कि हर एक मॉडल को देखने पर हमारे मन में ऐसी लालसा पैदा हो जाए कि यह मॉडल हमारी भी गैराज में होना चाहिए समझ आ रहा है <laughs> तो ये विचार आपका छूटेगा तो कब छूटेगा थोड़ा विचार करो पर द्रव्यों को देख करके कोई भी हमें आसक्ति का भाव नहीं करना पर द्रव्यों में इस सब क्या है लोस्टवत सब जो है मिट्टी के ढेले हैं हमारे पास जो है उतने में हम संतुष्ट हैं और हमारे अपनी हैसियत से हमें जो मिलेगा उसको हम अपने पास में रखेंगे दूसरे की दृष्ट दूसरे की वस्तु को देख करके हम उसको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे दृष्टि भी आपको बहुत लंबे समय तक औरों के बीच में आपको शांत बनाए रख सकती है सुखमय बनाए रख सकती है समझ आ रहा है क्या हो गया आत्मवत सर्वभूतेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत और मातृवत सर्वदाराशु एक और पवित्र दृष्टि बनाना हो अशुभ से शुभ में पूरा का पूरा अपने विचारों को परिवर्तित करना हो तो दारा माने स्त्री जो स्त्रियां हैं उनको देख के अपने अंदर ये भाव लाओ ये सब हमारी मां के समान है जो छोटी हैं, वो सब हमारी बहन और बेटी के समान है ये दृष्टि जैसे ही आएगी आपके अंतरंग में अशुभ से शुभ परिवर्तित हो जाएगा और आपके जैसे ही शुभ भाव होंगे आपका उपयोग अशुभ से शुभ होने लगेगा और यह दृष्टि परिवर्तित नहीं होगी तो कभी भी आपके अंदर का अशुभोपयोग शुभोपयोग नहीं बनेगा देखो उपयोग अलग चीज है और भाव अलग चीज है अशुभ भाव और अशुभोपयोग इन दोनों में बहुत अंतर है शुभ भाव और शुभोपयोग इन दोनों में भी बहुत अंतर है अशुभोपयोग वह उपयोग की कलुषित परिणति है जो निरंतर बनी हुई है उपयोग के साथ एकात्मक रूप से जो हमारी कलुषता बनी उसका नाम है अशुभोपयोग इसी तरीके से उपयोग के साथ में जो एकात्मक रूप से जो हमारा शुभ भाव बन गया है शुभता बन गई है उसका नाम है शुभोपयोग लेकिन शुभ भाव क्या है वो आत्मा के उपयोग से जुड़ा हुआ नहीं है वो मन के परिणाम से जुड़ा हुआ है शुभ और अशुभ भाव ये मन का विचार है ये मन की परिणति है और अशुभोपयोग और शुभोपयोग ये आत्मा की परिणति है इतना अंतर समझना इसलिए शुभ भाव से शुभोपयोग होने की प्रक्रिया शुरू होती है शुभोपयोग का मतलब शुभ भाव हो सकता है लेकिन शुभ भाव का मतलब शुभोपयोग नहीं होता है यह भी ध्यान रखना शुभोपयोग होगा तो शुभ भाव रहेगा लेकिन शुभ भाव है तो शुभोपयोग है ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि शुभ भाव आप अभी करना शुरू किए हो शुभ भाव मन में आया है उपयोग माने आत्मा के अंदर वो शुभता आ गई वो तब होगी जब आत्मा में उस कालुष्य की कमी हो जाएगी जब आत्मा में उस तरीके की कलुषता वेदना जो आत्मा के अंदर पड़ी रहती है उसकी कमी हो जाएगी तब जाकर के वह आत्मा की वास्तविक शुभोपयोगता बनेगी यह अंतर है तो हम शुभोपयोग रूप जब बनेंगे आत्मा का उपयोग शुभोपयोग रूप होगा तो वो तब होगा जब हम शुभ भावों से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे आ? नहीं मन के साथ तो हमारा विचार जुड़ जाता है मन के साथ हमने सोच लिया जैसे हमने ज्ञान हो गया विचार आ गया ये मन का उपयोग हो गया मन का भाव हो गया इसको हम मन का शुभ भाव कहेंगे उपयोग शुभ नहीं हुआ उपयोग शुभ कब होगा जब उसके अंदर मिथ्यात्व मिथ्यानुबंधी कसायों का वास्तविक रूप से अभाव होगा तब जो उपयोग की शुद्धि होगी उसका नाम है शुभोपयोग योगी कह लो जो भी है मन का भाव शुभोपयोग है ऐसा जरूरी नहीं है वो शुभ भाव है कह लो योग को कहते कहते आप थक गए होगे फिर दूसरे लोग उलझ जाएंगे योग क्या है लेकिन अभी जो धारा बह रही है भाव की और उपयोग की उसी को समझने की कोशिश करो कि शुभ भाव हमारे लिए शुभ उपयोग का कारण है है ना और वही शुभ उपयोग जब बन जाएगा तो फिर जो भाव रहेगा वह शुभ भाव बना रहेगा इसलिए शुभ भाव करने से शुभ उपयोग प्राप्त होता है और वह शुभ उपयोग हमारी आत्मा की एक अनन्य परिणति बन जाता है क्योंकि वह आत्मा से अलग नहीं है मतलब अब हम जो जानेंगे देखेंगे वह उसी रूप में जानेंगे देखेंगे सब जीवों को हमेशा अपने समान जानना तो क्या होगा आप जब भी प्रवृत्ति करेंगे आपको दूसरे जीव पीड़ित दिखाई देंगे क्षुद्र पर्यायों में पड़े हुए दिखाई देंगे वो सब आपके लिए करुणा के पात्र अपने आप बन जाएंगे आत्मवत मानोगे तो करुणा आएगी आप नहीं मानोगे तो करुणा कैसे आएगी जैसे हमको पीड़ा होती है वैसे ही इनको पीड़ा होगी चीटी है मच्छर है मक्खी है कीड़ा है ये भी चोटिल होगा तड़फेगा हमारी तरह ही इसके भी प्राण निकलते हैं तो ये भी पीड़ित होता है आत्मवत्त सर्वभूतेशु इस भावना से आपके अंदर दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव आएगा इसी को कहते हैं कि जो क्षुद्र जीव हैं छुद्र भवों को प्राप्त किए क्षुद्र भव का मतलब क्या होता है जिन्हें छोटे से छोटा भव मिला है पर्याय मिली है उसे क्षुद्र भव कहते हैं क्षुद्र भव का मतलब छोटी से छोटी इससे छोटी और कोई पर्याय नहीं हो सकती है तो पर्याय छोटी किससे बनती है आयु से बनती है जिसकी सबसे छोटी आयु हो उसी को हम क्षुद्र भव वाला जीव कहते हैं और छोटी आयु कौन सी है सबसे छोटी आयु एक श्वास का अठारवा भाग एक श्वास के अठारवें भाग तक ही बस जीवित रहा मर गया श्वास के अठारवें हिस्से में ही उसका बस जीवन रहा मर गया यह सबसे छोटी आयु वाला जीव है तो इसको हमने क्या कहा क्षुद्र भव में रहने वाला जीव यह क्षुद्र भव वाला जीव हो गया उस जीव के प्रति भी करुणा का भाव कब आएगा जब हम आत्मवत पर परिग्रह को देख करके उसके प्रति हमारा आसक्ति का भाव न बने और हमारा जो अपरिग्रह अनुव्रत है वो बना रहे क्या सुन रहे हो कई लोगों ने अनुव्रत लिए यहां पर दिल्ली में भी बहुत लोगों ने मन बनाए हैं अनुव्रत भी लेने के <laughs> वह अड़ुव्रत लेने वालों के लिए भी अपने अड़ुव्रत की सुरक्षा के लिए यह भाव रखना होता है कि जो हमारा अपरिग्रह अड़ुव्रत है यह अपरिग्रह अड़ुव्रत दूसरे के परिग्रह को देख करके बिगड़ना जाए हाँ ये बिगड़ जाता है दूसरे के परिग्रह को देख करके आपके अंदर लालसा पैदा हो जाना राग हो जाना या विस्मय भी होना हाँ आश्चर्यचकित हो जाना सरप्राइज हो जाना यह भी उस व्रत में दोष लगाने का कारण है क्योंकि जब आपने सोच लिया है ये सब ऑल आर मेटलिस्टिक तो फिर जब सब लोस्टवत हो गया तो फिर आश्चर्य की क्या बात है अब किसी की कोठी बड़ी है किसी की कोठी छोटी है? है कहीं पे ग्रेनाइट लगाया तो कहीं पे सामान्य से कोटा स्टोन लगा है है तो सब स्टोन ही है तो सब पत्थरी ऐसी दृष्टि आए बिना आप कभी व्रतों को ले नहीं सकते और ले लेंगे तो उन्हें निरतिचार पालन कर नहीं सकते इसलिए आचार्य कहते हैं असुहादो विणवृत्ति सुहे पवित्ती ये जान चारितम अशुभ से रोका और शुभ में प्रवृत्ति की तो इसी का नाम आपका चारित्र है और ये चारित्र अगर रहेगा तो तभी रहेगा जब आपके पास में इस तरीके से विचार बना रहे अपरिग्रह अणुव्रत भी तभी रहेगा जब हम दूसरे के परिग्रह को देख करके विस्मित न हो और विस्मित तभी होंगे जब हम उसके परिग्रह को वास्तविक समझेंगे उसके अपनी आत्मा समझेंगे या उसकी आत्मा की तरह उसको वेटेज देंगे लेकिन हमारे दिमाग में अगर ये अभ्यास है पर द्रव्येषु सुस्टवत सब कुछ क्या है सब मिट्टी का पत्थर का ही परिणमन है चाहे वो स्टोन पत्थर का जमीन पे लगा हो और चाहे उस स्टोन को हम अपनी अंगुली में पहने हो ऑल आर स्टोन अब हाँ चाहे वो सोइल हो और चाहे वो स्टोन हो चाहे वो जो है हम उसको ग्रेनाइट के रूप में कहें चाहे हम उसको मिट्टी के रूप में कहें चाहे हम उसको हीरा के रूप में कहें चाहे पन्ना के रूप में कहें आखिर हीरा और पन्ना भी क्या है है तो पत्थर की एक क्वालिटी मानने को तैयार नहीं होता मन हा दिल्ली वालों को और मन बना लो है? है तो सब क्या है कितना ही महंगा हो महंगी भी कोई चीज बनी है तो उन्हीं के लिए बनी है जिनकी दृष्टि में ये लोष्ठवत नहीं है और जिन्होंने उसको कीमत दे रखी है वही उसकी कीमत लगाएंगे ना जिनके लिए ये सब चीजें केवल पत्थर माने पत्थर है तो उनके लिए क्या महंगा और क्या सस्ता क्या समझ आ रहा है आप हमारे पास में चाहे हीरा रख जाओ चाहे सोना रख जाओ चाहे पन्ना रख जाओ है? रख के देख लेना कभी कुछ भी नहीं फर्क पड़ना क्या लेना देना हमें उससे हम उसको कहां रखेंगे क्या करना है उसको है पत्थर हाथ में भी ले लेंगे देख लेंगे यहां ये पत्थर ही है ये हल्का है ये भारी है चमक रहा है नहीं चमक रहा है इतना ही तो है और क्या है? आप कहोगे महाराज इतना कीमती हम मूंगा का पन्ना का है नग लेकर के आए और आप कह रहे पत्थर है तो देखो जिसके दिमाग में जिसकी जो कीमत होगी वही तो कीमत बताएगा आपके दिमाग में उसकी कीमत हजारों लाखों में जा रही है और हमारे दिमाग में उसकी कीमत मिट्टी के बराबर है तो आप कभी भूल नहीं करना कि आप अपनी चीज ला करके हमें उसकी कीमत से हैं? कि मतलब <laughs> कहलवाने की कोशिश करना कि बताओ महाराज इसकी कीमत क्या है समझ आ रहा है हमारे लिए तो वो सब क्या है सब पत्थर है सब मिट्टी है सब बराबर है क्या फर्क पड़ रहा है उससे कोई ज्यादा चिकना हो गया कोई ज्यादा स्मूथ हो गया और कोई ज्यादा क्लियर हो गया कोई ज्यादा फाइन हो गया कुछ कम हो गया बस क्या फर्क पड़ रहा है उससे किसी को ज्यादा घिस दिया गया किसी को कम घिस तभी आप अजीब को अजीब की तरह और जीव को जीव की तरह जानेंगे ये बहुत बड़ा भेद विज्ञान की बात बता रहा हूं आपको आरा? हाँ ये भेद विज्ञान इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हम अजीब को अजीब पुदगल को पुदगल मान नहीं पाते और उसमें हम अपना आत्म स्वरूप देखने लग जाते हैं अपना आत्म स्वरूप उसमें दिखाई देता है ये इतना महंगा है समझ आ रहा है तीन लाख का नग है तो उसमें ही अब अपनी आत्मा देखेगी मैं तीन लाख की अंगूठी पहने पर बैठा हूं समझ आ रहा है अपनी की कीमत जो है फिर उसी से नापी जाती है ऐसा हो जाता है ये हमारे लिए जो दृष्टि है ये जो ज्ञान है ये आपकी कीमत बढ़ा तो रहा होगा आपके मन में लेकिन आपकी आत्मा की कीमत वो घटा रहा है।, है ना आत्मा की कीमत क्यों घटा रहा है क्योंकि आत्मा की जो कीमत थी उससे ज्यादा कीमत आपने इसकी लगा ली आपकी इसके अलावा इसके आगे आपको अपनी आत्मा की कीमत नहीं दिख रही है और जब आत्मा की कीमत दिखेगी तो इसकी कीमत कुछ नहीं होगी जब आत्मा की कीमत लग गई आत्मा की अपने को वैल्यू समझ में आएगी तो ये सब जो है आपको बिल्कुल कचड़ा मिट्टी नॉन वैल्यूएबल दिखाई देंगे सब आपको इसी से समझ में आता है कि हमारे लिए आत्मा की वैल्यू कितनी है और जो मेटरलिस्टिक चीजें हैं उनकी वैल्यू हमारे लिए कितनी है तो अपरिग्रह अणुव्रत की सुरक्षा परिग्रह को लोस्ट के समान देखने से ही होती है और जब महाव्रत है तो तो फिर कहना ही क्या है वो तो लोस्ट है ही है श्रावक भी जब अपनी वृत्तियों को बढ़ाता है अपने ज्ञान दर्शन को शुद्ध करता है तो इसी तरह के विचारों में आने लग जाता है फिर वह दूसरी सहेली को देख करके एक सहेली दूसरी सहेली को देख करके समझ आ रहा है अब अभी तक तो साथ में रहती थी एक जैसी पहनती थी एक जैसी ओढ़ती थी एक जैसी जेवर खरीदती थी अब एक ने व्रत ले लिया तो दूसरी कहती है तू क्या करती जा रही है ना तो अच्छा कभी पहने दिखती है ना पहले जैसी अब कुछ श्रृंगार करती है ना पहले जैसा अब तुझे कुछ हमारे साथ इंजॉय करने का भाव आता है ना किट्टी पार्टी में जाती है अब तेरी दोस्ती करके भी क्या करें हम तो मत कर भाई अब मुझे कुछ अलग मिल गया है मुझे कुछ अलग वैल्यूएबल चीज समझ में आ गई है तो अब हम तेरी के वैल्यू बना के रखेंगे कि तेरे ही साथ हम अपनी जिंदगी निकालेंगे है? हमारा जब तक ज्ञान इस रूप में नहीं था तब तक तो हमने इन चीजों की वैल्यू समझी अब हमारा ज्ञान शुद्ध हो रहा है हम अपने उपयोग को शुभ बना रहे हैं अपने उपयोग को परिवर्तित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में हमारा उपयोग जो लगा हुआ था वो परिवर्तित तो होगा कई लोग तो यही समझते हैं कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे जीते जाएं और व्रत भी ले लें है ना और जैसा हमारी थिंकिंग चल रही है जैसा जीवन चल रहा है वैसा भी चलता रहे तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी सब चीज बदलेंगी थिंकिंग बदलेगी एक्टिविटी बदलेगी बिहेव बदलेगा दूसरों के साथ रिलेशनशिप में जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसमें भी चेंज आएगा और ये सब चेंज आने से ही आपका वह उपयोग शुभ की ओर ढलेगा शुभ उपयोग तो बनेगा तो व्रति को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती कि जिनके साथ हम पहले रह रहे थे वो अब हमें अपनी ओर खींच रहे हैं नहीं व्रति के मन में भाव रहता है तुम्हें अगर हमारी ओर आना हो तो आओ मैं तुम्हारी ओर नहीं जाऊंगा यह व्रति का भाव होता है हाँ. <laughs> तभी व्रत वो तो तो है है उसकी मानते जाएंगे तो हम अपने व्रतों में दोष लगाते जाएंगे हम भी अव्रति होते जाएंगे हम परिग्रह से अपरिग्रही अड़ी बने तो हमारी वैल्यू अलग हो गई अब वो अपरिग्रही से हम फिर परिग्रही में इंटरेस्ट लेने ले ले लगे तो हमारा अपरिग्रह व्रत फिर दोषित हो जाएगा इसलिए व्रती के मन में ये भाव रहता है कि हम जिनके साथ में थे वो अगर हमारे जैसे बने तो वेलकम आई रेस्पेक्ट यू समझ आ रहा है और अगर आप हमारे जैसे नहीं बन रहे हो तो आप जो है वही वाली बात आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम है। तो वही बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर किसी के लिए व्रतों के प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ है तो फिर वह उनको बेटेज ना दे कि वो ये समझ रहा है कि ये हमको क्या समझ रहा है तू हमें क्या समझ रहा है, समझ रहा है ये नहीं समझ पाएगा मुझे मालूम है कि मैं क्या क्या और तुम क्या हूं? आ? तुम हो मुह में पड़े हो राग में पड़े हो उन्हीं सब कसायों में पड़े हो और उसी तरीके के जीवन जीने के लिए अगर हमसे फिर से कहो तो अब ये संभव नहीं है ये व्रती के अंदर का भाव ही उसके व्रतों की सुरक्षा करता है ठीक है ना तो ये बात हो गई इसी तरीके से आ? जो सब स्त्रियां उनके प्रति भी यह दृष्टिकोण चेंज हो जाता है शुभ भाव आते आते वह शुभोपयोग में बदलेगा तो क्या होगा अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों को देख करके मां का भाव आना और बराबर की स्त्रियों को देख करके बहन का भाव आना और छोटी स्त्रियों को देख करके बेटी का भाव आना जहां विचारों में इतनी पवित्रता आ गई धर्म वहीं से शुरू हो गया शुभोपयोग को इसीलिए आचार्य कुंद कुंद ने शुरुआत में प्रवचन सार में धर्म संज्ञा से संजीत किया है शुभोपयोग को क्या कहा है धर्म है और अशुभोपयोग अधर्म है इसलिए अशुभोपयोग के साथ में तो कर्म का उदय जोड़ा है लेकिन शुभोपयोग के साथ में आत्मा की अनन्य परिणति जोड़ी है शुरू में जो गाथा आई थी कि आत्मा का जो भाव है वो शुद्ध भाव और शुभ भाव दोनों ही धर्ममय है धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपजोग जुदो पावदि निर्वाण सुहम सुहोभ जुत्तो सुहम क्या कहा धम्मेण परिणदप्पा धर्म से परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्ध उपयोग रूप होगा तो निर्माण सुख प्राप्त करेगा और अगर शुभ उपयोग रूप होगा तो स्वर्ग सुख प्राप्त करेगा लेकिन वह आत्मा धर्म से परिणत कहा है दोनों आत्माओं को तो शुभ को भी धर्म कहा और शुद्ध को भी धर्म करा यह हमेशा याद रखने की चीज है इसी प्रवचन सार की शुरू में जो गाथा आई थी सातवें आठवें नंबर की गाथा होगी शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों धर्म है फिर अशुभोपयोग के लिए उन्होंने अलग से फिर अलग गाथा दी थी असुहो दयेण वहां पे उदय शब्द दिया है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो गुरु महाराज के गुरु महाराज थे उन्होंने इस चीज का बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण किया है यही जो मैं बता रहा हूं ये उन्हीं के ज्ञान के माध्यम से बता रहा हूं असुहो दयेण असुहो दयेण का मतलब उसके लिए तो अशुभ के लिए तो उदय शब्द का उन्होंने उपयोग किया अशुभ उदय से असुहो दयेण आदा अशुभ के उदय से आत्मा क्या हो जाता है कुडरो तिरियो भवी नेरयो नारकी हो जाता है, आ? और इधर जो है उन्होंने उपयोग शब्द जोड़ा है धम्मेण परिणदप्पा धर्म से परिणत आत्मा यहां शुभ के साथ में उपयोग शब्द जोड़ करके आत्मा का उपयोग बताया है, ये अंतर है तो शुभ रूप आत्मा का परिणमन होना माने शुभ भावमय और शुभ विचारमय हो जाना है यही यहां बताया गया कि आत्मा का दो प्रकार का उपयोग है शुभ और अशुभ लेकिन वो पहचाना किससे जाएगा तो ज्ञान और दर्शन से ही पहचाना जाएगा आपका ज्ञान कैसा काम कर रहा है और आपकी दृष्टि कैसी काम कर रही दृष्टि में आप क्या देख रहे हो ज्ञान से आप क्या जान रहे हो ये अगर भीतर से इस तरीके का हो गया जैसा भी बताया है आत्मवत सर्वभूतेश सब पंडित है। उसको पंडित कहा गया है हर शब्द के अर्थ बिगाड़ दिए इन लोगों ने है ना उसको पंडित कहा जाता था अब तो बस स्वाहा स्वाहा कराए उसका नाम पंडित है कि गद्दी पे बैठ जाए उसका नाम पंडित है लेकिन पंडित का मतलब जिसकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है उसको पंडित कहा जाता है जिससे उसके पाप खंडित हो गए हो उसका नाम पंडित होता है है ना पाप भाव खंडित होने का नाम पंडित होता है इसलिए ये भाव हमारे लिए शुभ भाव है इन्हीं की आगे व्याख्या और होगी बोलो महावीर भगवान की